वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आपका होस्ट अभी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मार्वल स्टूडियोज वालों ने एवेंजर्स टावर को बिकवा दिया और क्यों उसकी जगह पे अभी तक कोई नई बिल्डिंग नहीं आई। और एमसीयू के टाइमलाइन के हिसाब से 2016 में एवेंजर्स का टावर बिका था और अब एमसीयू में 2026 या 27 चल रहा है। लाइक 10 साल से भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई, मतलब इंडिया में भी इतना टाइम ही लगता है यार। ज्यादा हो गया। तो अवेंजर्स टावर की कहानी तो हम सबको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो अवेंजर्स टावर पहले स्टार्क टावर था द अवेंजर्स में, जिसको देख के कैप्टन अमेरिका की बहुत जल्दी थी। द अवेंजर्स मूवी के एंड में हमें अवेंजर्स टावर का टीज देखने को मिला था, और द अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें फाइनली अवेंजर्स टावर देखने को मिला था उसकी फुल ग्लोरी के साथ। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आते आते वो हम सबको हिंट देने लगे कि वो अवेंजर्स का पूरा हेडक्वार्टर ही शिफ्ट करने वाले हैं। हमें उसका रीजन मालूम तो नहीं था, पर स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें उसका रीजन भी मिल गया। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें ऐसा बताया गया कि टोनी पूरे अवेंजर्स टावर को बेच रहा है, और मूवी का पूरा प्लॉट भी इसी के अराउंड घूमता रहता है। और उसके बाद से हमें उसके आसपास कुछ दिखा तो नहीं है, और ऑफ कोर्स लोगों की सो कॉल्ड थियरीज तो हमेशा चालू ही रहती है। तो सब कुछ चालू हुआ था ऑस्कॉर्प टावर को लेके, कि एवेंजर्स टावर की जगह पे आएगा ऑस्कॉर्प टावर। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में नॉर्मन ऑस्बोर्न ने कंफर्म कर दिया कि इस दुनिया में ऑस्कॉर्प कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद आया था कि किंग पिन उस जगह पे अपना टावर बनाने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मार्वल स्टूडियोज उस जगह को अभी भी छूने वाले हैं। और सबसे बड़ा रूमर तो ये है कि ये जगह उन्होंने बचा के रखी है बैक्स्टर बिल्डिंग के लिए, जो कि है हमारे फैंटास्टिक फोर का घर। मे बी ये हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता। तो वैसे तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है कि क्यों टोनी ने अवेंजर्स टावर को बेच दिया, लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए नहीं है, पर हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए है कि मार्वल वालों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और अभी तक उसका कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दिया। तो बेसिकली ये डिसीजन लिया गया था 2015-16 में, जब मार्वल स्टूडियोज बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रहा था, जहां पे दो साल में 3 से 4 मूवीज आती थी और वो भी सीक्वल्स होती थी, और अब साल में 2-3 मूवीज आती हैं वो भी नए कैरेक्टर्स और फ्रेंचाइजीज के साथ। और उस टाइम हॉलीवुड में ये बहुत बड़ा ट्रोप भी बन गया था कि न्यूयॉर्क ही हमेशा खतरे में होता है और न्यूयॉर्क पे ही हमेशा हमला होता है, और इस बात का काफी मजाक भी उड़ाया जाता था। और इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो मार्वल वालों ने अपने सुपर हीरोज को पूरे वर्ल्ड में स्कैटर कर दिया है, जैसे मून नाइट लंदन में टेक प्लेस करता है और शिट हल्क एलए में, एंटमैन और शैंग-ची सैन फ्रांसिस्को में, और यार फाल्कन और विंटर सोल्जर तो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यही बात आ जाता है कि अब जो भी नए मूवीज और सीरीज आ रहे हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, हॉकआई, डेयर डेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सेट्रा, तो इन सारी मूवीज में न्यूयॉर्क के सीन्स ही रहेंगे। और हाइपोथेटिकली अगर अवेंजर्स टावर अभी भी वहां पे होता तो एटलीस्ट वहां पे 2 अवेंजर्स तो रहेंगे ही, जैसे कि हॉकआई, कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन और हल्क। तो फॉर एग्जांपल द डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो स्टार्टिंग में क्रिस्टीन के मैरिज के बाद का जो एक्शन सीन था, तो अगर हाइपोथेटिकली वहां पर अवेंजर्स टावर होता तो हम ये एक्सपेक्ट करते कि कोई ना कोई एक अवेंजर तो वहां पे आता। मतलब कि ये कोई बॉयज का यूनिवर्स तो है नहीं कि वो सिर्फ टीवी और अटेंशन के लोगों को बचाएंगे, दे आर रियल हीरोज यार। तो यहीं पे मेन प्रॉब्लम आ जाता है कि तुम कोई मेजर एक्शन सीक्वेंस वहां पे टेक प्लेस नहीं करवा सकते विदाउट गेटिंग द अवेंजर्स इन्वॉल्व। तो यही प्रॉब्लम हुआ था थॉर रैग्नारॉक के टीजर में। अगर आपको टीजर याद होगा तो हेला ने जो थॉर का हैमर तोड़ा था वो पूरा का पूरा सीक्वेंस टेक प्लेस करता है न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने इसी रीजन से मूवी में इस सीन को चेंज कर दिया कि मतलब ऑफ कोर्स यार वहां पे कोई ना कोई अवेंजर तो आएगा ही, मतलब थॉर का हैमर टूटा है भाई। और जो अवेंजर्स की नई फैसिलिटी है वो भी काफी अननोन है, जिसकी वजह से उनके पास एक एडवांटेज आ जाता है कि वो अपने मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं विदाउट अस नर्ड्स क्वेश्चनिंग कि अवेंजर्स कहाँ है। तो इसीलिए उस जगह पे कोई दूसरी सुपर हीरो बिल्डिंग नहीं आई, और अगर आती भी है तो वहां पे कोई सुपर हीरो भी रहेगा, और अगर सुपर हीरो रहेगा तो उसे हेल्प करने आना ही पड़ेगा। ये कोई बॉयज का यूनिवर्स थोड़ी ना है। तो गाइस वीडियो यहीं पर रैप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हूं अभी, दिस इज मैक्स नर्ड।